पेरेंट्स, वेलकम टू किड्स लर्निंग नेस्ट। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुश हैं। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको टू लेटर्स वर्ड यानी सीवी वर्ड्स एंड थ्री लेटर्स वर्ड सीवीसी वर्ड्स बच्चों को कब कैसे क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये बताने जा रही हूँ। बच्चों को हम टू लेटर्स वर्ड्स एंड थ्री लेटर्स वर्ड सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग क्या होता है ये मैंने अपने इस वीडियो में समझाया है, आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और आसानी से आप समझ जाओगे। हम बच्चों को लेटर्स की ब्लेंडिंग कब इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? आप बच्चों को लेटर्स की ब्लेंडिंग जब ही करवाए तब वो पहले से ही अपने अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए टू जी लिख सकते हैं। बच्चे को ए टू जी लिखने में अभी भी दिक्कत हो रही है, फिर भी आप बच्चों को लेटर्स ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बच्चों को उनके फोनिक साउंड्स सही से आए, ये बहुत ज़रूरी होता है। फोनिक साउंड्स के बिना बच्चा सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग नहीं कर सकता है। ये बहुत ही बेसिक स्किल है जिसके बिना बच्चे को हम आगे नहीं ले जाएंगे। अगर बच्चे को सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग करवाना है तो उसके फोनिक साउंड्स पहले हमको सेट करने हैं। फोनिक साउंड्स आप आसानी से ऐसे फोनिक्स एक्टिविटी चार से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यदि कोई बच्चे को फोनिक्स समझने अभी भी दिक्कत हो रही है तो हम उसे और प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि इसे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फोनिक साउंड्स सेट नहीं होने से पहले अगर बच्चे के फोनिक साउंड फर्म नहीं रहेंगे तो उन्हें बहुत दिक्कत होगी सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग करने में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्ड्स रीड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को साउंड एक्टिविटीज़ करवाएंगे। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ऐसे करवाइए जहाँ पर बच्चा फोनिक्स पे अपनी ग्रिप पकड़ सके, फोनिक्स समझे। अगर कोई लेटर देख रहा है तो उसकी फोनिक्स क्या है वो सीधे से बच्चे को समझ में आनी चाहिए। पहले अगर दिक्कत हो रही है तो बच्चे को हम कराएंगे सीवी और वीसी ब्लेंड्स, जो कि ज़्यादातर स्कूल्स में ये ब्लेंड स्किप कर देते हैं, हम डायरेक्ट सीवीसी वर्ड्स में जंप करते हैं। ये सीवी और वीसी ब्लेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बच्चे को हम पहले सीवी और वीसी ब्लेंड्स करवा कर फिर सीवीसी वर्ड्स में जाएंगे तो बच्चे को बहुत आसानी से सीवीसी वर्ड्स की ब्लेंड समझ में आ जाएगी। सीवी वर्ड माने कॉन्सनेंट वाउल साउंड्स मिक्स होके बनते हैं। सीवी वीसी वर्ड्स होते हैं वाउल कॉन्सनेंट साउंड्स। सो देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स फॉर सीवी एंड वीसी ब्लेंड्स। तो हमारे सीवी ब्लेंड्स बनते हैं, पहले पोजिशन में कॉन्सोनेंट एंड देन आएगा वाउल साउंड्स, ब ए ख ए ऐसे। और हमारे वीसी ब्लेंड्स बनते हैं ए ब, वाउल साउंड आएगा पहले एंड कॉन्सोनेंट साउंड आएगा बाद में। तो बच्चे को पहले सीवी और वीसी ब्लेंड्स करवाएं, फिर हम उसके बाद जाएंगे सीवीसी वर्ड्स की ओर। सो हम यंग रीडर्स की जर्नी कैसे शुरू करते हैं, लेटर्स साउंड्स के आगे क्या, पहले हम थ्री लेटर्स वर्ड करवाएं या टू लेटर्स वर्ड करवाएं? अगर बच्चा बखूबी अपने फोनिक समझता है और आसानी से उसको हर वर्ड की समझ हो जाती है, अगर वो कोई वर्ड देखेगा तो उसे बोल पाएंगे कि ये है ब और इसकी फोनिक साउंड है ए, तो हम आराम से उनको सीवीसी वर्ड की ओर ले जा सकते हैं। अगर बच्चे को स्टार्टिंग में ही फोनिक्स में ही दिक्कत हो रही है तो हम उन्हें पहले सीवी और वीसी ऐसे सिंपल ब्लेंड्स करवाते हुए आगे ले जाएंगे सीवीसी वर्ड्स की ओर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप बच्चों से उनके सीवी वीसी और सीवीसी ब्लेंड्स करवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चा उन्हें मिसप्रोनाउंस ना करे। अगर उसे मिसप्रोनाउंस करेंगे तो वही आगे चलकर आदत बन जाएगी। तो कभी भी बच्चा उसको सीधे से प्रोनाउंस नहीं करता है तो आप उसको वहीं करेक्ट करिए। और खूब सारी पेशेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ये ब्लेंड्स पढ़ने के लिए। एक बार बच्चों की ये बेस स्किल इम्प्रूव हो जाएगी तो बच्चा आराम से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को डिकोड कर लेगा, उसको सेगमेंटिंग करेगा और उसकी ब्लेंड बना के आराम से वो वर्ड को पढ़ लेगा। सीवीसी वर्ड्स होते क्या है? सीवीसी वर्ड्स होते हैं थ्री लेटर्स वर्ड, जो कि हम कॉन्सोनेंट वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड को मिलाकर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेगमेंटिंग। जब हम ये सारे वर्ड लेटर्स को मिलाएंगे उसे हम कहेंगे ब्लेंडिंग। सीवीसी वर्ड्स सिंपल फोनिक रूल्स फॉलो करते हैं, इसीलिए हम बच्चों को रीडिंग की शुरुआत में सीवीसी वर्ड से ही शुरू करते हैं। हर लेटर की अपनी एक इंडिविजुअल साउंड होती है, जैसे कि ख ए ठ। देखिए, हर वर्ड की अपनी इंडिविजुअल साउंड होती है जो कि बच्चा आसानी से सुन लेगा और आसानी से लिख पाएगा। इसीलिए हम बच्चों को जब उनके फोनिक्स
साउंड हो जाते हैं हम शुरू करेंगे सीवीसी वर्ड्स, जो कि उनकी अपनी साउंड होती है और बच्चा आसानी से उन्हें ब्लेंड कर पाता है। तो हम सीवीसी वर्ड्स की शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों के साथ? हम सीवीसी वर्ड्स की शुरुआत द बिगिनिंग लेटर से करेंगे, जो कि है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। सो हम बच्चों को ऐसे सिंपल से कुछ पिक्चर्स दिखाकर पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी हियर, कैट। जब बच्चा बोलेगा कैट, तो पूछिए कि कैट का इनिशियल लेटर है जो कि है कॉन्सोनेंट साउंड, वो क्या सुन रहे हैं। यहाँ पे लिसनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे को बोलना है कि ये सुन रहे हैं ख, कैट, ख, कैट, ख, कैट। सो आप ऐसे एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाइए, जैसे कि मिसिंग ख एट, यहाँ पे पिक्चर रखिए, व्हाट दे सी, दे सी अ कैट, व्हाट इज द लेटर दे आर हियरिंग, इट्स ख, सो व्हाट इट विल कम हियर, ख, सो ये बन गया ख एट। ऐसे सिंपल से एक्टिविटीज से आप बच्चों को पहले उनके बिगिनिंग साउंड सेट करिए। वैसे ही फिर हम बढ़ेंगे उनके मिडिल साउंड पे, फिर जाएंगे लास्ट साउंड पे। जब ये सब सेट हो जाएगा बच्चे का, तो हम उनके एक्चुअल सीवीसी साउंड्स शुरू करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड हमारा हो गया, फिर हम बढ़ेंगे वॉवल साउंड की ओर। वॉवल साउंड थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये सुनना बहुत मुश्किल रहता है बच्चों के लिए, जैसे कि अभी हो गया हैट, एट। हैट में यूजुअली बच्चा जब ये फोनिक साउंड्स करते हैं हैट के, वो लिखते हैं हो गया हैट, ये बीच का फोनिक साउंड वो खा जाते हैं। तो इसके लिए हम बच्चों को खूब सारी प्रैक्टिस करवाएंगे फोनिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज, जहाँ पे बच्चा ये वाउल साउंड सुन सके। जब बच्चा वाउल साउंड सुनेगा, तो उनकी सेकेंड लेटर इन सीवीसी वर्ड फर्म हो जाएगी। अभी देखिए ऐसे सिंपल से एक्टिविटीज से आप उनकी वाउल साउंड फर्म कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जब बच्चों को आप सीवीसी वर्ड्स करवाते हैं, ऐसे पिक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थ्रू पिक्चर्स ही आप बच्चों को समझा सकते हैं कि ये वर्ड है, और ये वर्ड का आपको सेगमेंटिंग करके इसे ब्लेंड करना है। तो पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे रखा है हैट, हैट आएगा ह ए ट, तो इसका मिडिल पोजीशन, जो मिडिल लेटर है, जो वाउल साउंड है, जो वाउल पोजीशन है, वो आएगा क्या? तो बच्चा इसे देखेगा, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ई आएगा या ए आएगा या अ आएगा, तो बच्चा पिक करेगा ए। तो ऐसे क्लेडो एक्टिविटी से आप ये सेट कर सकते हैं। सॉरी, ये क्लेडो की हालत बहुत ख़राब हो गई है, समायरा ने खूब सारी प्रैक्टिस कर करके सारे क्लेडो, पूरा क्ले को मिक्स कर दिया है। तो देखिए, ये सिंपल एक्टिविटी है, जहाँ पे आप बच्चे को वॉल साउंड रिकॉग्नाइज करा सकते हैं इन सीवीसी वर्ड। अब बच्चे की प्रैक्टिस हो गई है कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड। जब बच्चा आराम से उसकी कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड इंडिविजुअली उसको ब्रेक कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है, उसी तरीके से उनकी प्रैक्टिस होगी द लास्ट द फाइनल साउंड विच इज द थर्ड पोजिशन कॉन्सोनेंट साउंड। सो इस तरीके से पहले हम बच्चों को इंडिविजुअल साउंड्स ब्रेक करना सिखाएंगे, जो हो गया सेगमेंटिंग। इसका मतलब है सेगमेंटिंग। फिर ये इंडिविजुअल साउंड्स को बच्चा मिक्स करेगा, जो है ब्लेंडिंग। तो इसे कैसे करेंगे? ह ए ट, ह ए ट, हैट। जब बच्चा आसानी से थ्री लेटर्स को सेगमेंट कर सक रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे ब्लेंडिंग के लिए, जो कि है सारे वर्ड्स को मिक्स करके उसका एक वर्ड बनाना, जो कि बनेगा ह ए ट, हैट। जब बच्चे को ये प्रैक्टिस हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन, वॉल पोजीशन एंड द थर्ड पोजीशन कॉन्सोनेंट पोजीशन को आराम से सेगमेंट करने की, तब हम आगे बढ़ेंगे ब्लेंडिंग की ओर। ब्लेंडिंग करते टाइम पर बच्चे को बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वाउल साउंड पे ज़्यादा स्ट्रेस करिए, ताकि बच्चा वो सुन सके। यहाँ पे बच्चे को खूब सारी प्रैक्टिस लिसनिंग के लिए होनी चाहिए, ताकि हम उन्हें कौन सा वर्ड
पिक्चर के थ्रू दे रहे हैं, कौन सा वर्ड हम उन्हें ओरली कह रहे हैं, उसे वो कैसे सेगमेंट करेंगे और उसे कैसे ब्लेंडिंग करेंगे, इसकी बच्चे को खूब सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी उनकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। अगर उनकी फ्लुएंसी बढ़ेगी तो वो बनेंगे स्ट्रॉन्ग रीडर्स। इस तरीके से सीवीसी वर्ड्स हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा के उनको रीडिंग की और आगे लेके जाएंगे, ये बनेंगे हमारे यंग रीडर्स। जब हम बच्चों से वर्ड्स की सेगमेंटिंग करवाते हैं, हम इस तरीके से भी करवा सकते हैं। ये है सीवीसी वर्ड सिग्नल, जहाँ पे हम शुरू करेंगे ग्रीन से और स्टॉप करेंगे एंड पे। प एक्ट, प एक्ट, प एक्ट, प एक्ट, पैट, क एन, क एन, कैन, ज एम, ज एम, जैम। मोशंस के थ्रू बच्चा बहुत ही आसानी से चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं, तो आप ऐसे वाले सिंपल से एक्टिविटी शीट्स घर में बनाइए और बच्चों को इसकी खूब सारी प्रैक्टिस दीजिए। और आप एक और सिंपल चीज़ आपके हैंड में भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं चॉप इट। तो अभी हो गया एक वर्ड जो कि है कैन, क ए न, क ए न, क ए न, क ए न, कैन, क एन। आप बच्चे के हाथ में इस तरीके से मोशंस के थ्रू समझाए तो वो और आसानी से इसे समझ पाएंगे। थोड़े बच्चे बहुत क्विकली इसे सेगमेंट कर सकते हैं, जैसे कि प एट पैट, थोड़े बच्चों को टाइम लगेगा, वो प एट, प एट ऐसे करते पढ़ेंगे। ये है हमारा एक सीबीसी वर्ड पैट। हम बच्चे को ये कैसे करवाएंगे, हम पहले सीवीसी वर्ड्स कराएंगे। ये आएगा एट फैमिली में, तो हम पहले बच्चे को ये प्रैक्टिस कराएंगे एट फैमिली, जो कि मैं आपको बोल रही थी सी सी वी ब्लेंड, वी सी ब्लेंड। ये हो गया हमारा वी सी ब्लेंड, इसीलिए ये ब्लेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बच्चा वीसी और सीवी ब्लेंड्स कर पाता है तो आराम से उसके सीवीसी ब्लेंड्स हो जाएंगे। अभी देखिए हम ये कैसे करवाएंगे, ए ठ, ए ठ। इंडिविजुअल साउंड्स की समझ बच्चे को अच्छे से होती है तो वो पढ़ लेगा ए ठ, ए ठ। फिर हम इसकी स्पेस थोड़ी सी डिक्रीज करेंगे, ए ठ, ए ठ, एथ। ये हो गए साथ में। When a and th mix together, when the segments of a and th mix together, they blend and make a noise at. They blend and make a noise at. तो हम बच्चे को पहले उनकी VC blend करवाएंगे, जो हो गया at, at. At. इसके मदद के थ्रू हम वर्ड बनाएंगे पैट, जो कि है एट। व्हेन यू पुट प साउंड इन द स्टार्ट, इट बिकम्स पैट, प एट, प एट, प एट। देखिए वीसी ब्लेंड्स के थ्रू बच्चा अपना सीवीसी साउंड कितने आसानी से कर पा रहे हैं। जब बच्चे की अपनी एक फैमिली वर्ड्स हो जाती है, जैसे कि अभी मेरी एट फैमिली वर्ड हुई है, हम सिंपल से ऐसे एक्टिविटीज ये फोनिक वर्ड भी इनमें बच्चे को करा सकते हैं, जैसे कि एट वर्ड का हो गया प एट पैट, स एट। एक और सिंपल एक्टिविटी है जो आप जस्ट कप्स में बना सकते हैं, एट और इट फैमिली वर्ड। जब बच्चे के एट और इट फैमिली वर्ड्स हो गए हैं तो आप बच्चे को आराम से पूछिए, जब बच्चे को आप ये एक्टिविटी करवाइए जहाँ में बच्चे को एट फैमिली वर्ड्स इसमें डालने हैं, इट फैमिली वर्ड्स इसमें डालने हैं, तो बच्चा आराम से कर लेगा। म एच, म एच, मैच, फ एट, फैट, इट फैमिली वर्ड्स, ब इट, बिट। सो देखिए ऐसे सिंपल
वर्कशीट्स या ऐसे ही DIY वर्कशीट्स के हेल्प से ही आप बच्चों को CVC वर्ड्स में फर्म लाएंगे। ये काफ़ी सारे बच्चों में टेंडेंसी होती है, जब भी वो अपने वर्ड्स को ब्लेंड करके पढ़ना सीखते हैं तो वो जहाँ कहीं भी कुछ भी वर्ड्स देखेंगे तो उसे ब्लेंड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे हर फैमिली वर्ड के बाद उनको ऐसे एक फोर रूल बुक पे रिलेटेड फैमिली वर्ड्स के कुछ सेंटेंस लिख कर दीजिए। बहुत सारी प्रैक्टिस और पेशेंस की ज़रूरत होती है इसमें, जो कि पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना है। विथ प्रैक्टिस बच्चा आराम से सारे वर्ड्स पढ़ पाएगा। आपकी सारी मेहनत सफल होगी जब आप बच्चे को आराम से उनके वर्ड्स पढ़ते हुए देखेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए किड्स लर्निंग नेस्ट को। हैव अ गुड डे।